सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस में। जैसे हम सबको पता है कि अब हम लोग का लोकतंत्र का जो महापर्व होता है भारतीय चुनाव, वो चल रहे हैं और हम सबका फ़र्ज है कि हम लोग वोट डालने जाएँ और अपना भविष्य और अपने बच्चों के लिए जो एक सुनहरा भविष्य हम सब कल्पना करते हैं उसको निर्माण करने में हम लोग अपना सहयोग प्रदान करें। हमारी सब की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं जो भी नई सरकार हम लोग चुनते हैं। कई मापदंडों में हम लोग जो सरकार हम लोग चुने थे उन पे उनको डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। मेरे लिए जो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनका कि मैं जब वोट डालने जाता हूँ तो जिन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी देश की जो कुछ समस्याएं जिनको जो मुझे बहुत बड़ी विकराल लगती हैं, जो कि समय के साथ और बड़ा रूप लेती जा रही हैं, पर्यावरण हमारे देश का जो पर्यावरण का संतुलन है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पर्यावरण पे बोझ बढ़ रहा है और पर्यावरण का जो एक आने वाले अच्छे जीवन के लिए जो एक संतुलन होना चाहिए वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। चाहे वो अच्छी वायु हो या भूस्तर, जो ज़मीन के अंदर का जो पानी का स्तर हो, ये सारी चीज़ें हम लोग धीमे धीमे इन पर ध्यान नहीं देने की वजह से एक विकराल समस्या के रूप में आने वाले समय में ये सामने आएंगी। दूसरा, प्राथमिक जो शिक्षा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। अगर हमें अच्छे कॉलेज चाहिए तो उससे पहले हमें अच्छे स्कूल चाहिए। जब तक हमारे पास अच्छे प्राथमिक स्कूल नहीं होंगे, हमारे अच्छे कॉलेज किसी काम के नहीं रहेंगे। तो प्राथमिक स्कूलों की मेरे लिए बहुत बड़ी एक, मुझे लगता है कि इस देश को आवश्यकता है और उस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि देश का हर बच्चे को एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा, जैसे कि हमारे प्राचीन ज़माने में गुरुकुल में दी जाती थी, जिसमें कि सभी तरीके से बच्चों को दक्ष बनाया जाता था, तो उस तरीके की एक शिक्षा पद्धति की हिंदुस्तान में वापस से ज़रूरत है कि सारे बच्चे यहाँ के जो प्राथमिक स्कूल हैं वो अपने पाँवों पर बहुत सुदृढ़ तरीके से खड़े हो सकें। उसके अलावा, चूँकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि चिकित्सा उच्च स्तरीय जो एक चिकित्सा है, भारत में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी है, आयुर्वेद भी है, उसके अलावा और भी चिकित्सा की पद्धतियाँ हैं। इन सब का जो आज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये इनका जो केंद्रीकरण हो रखा है वो शहरों में हो रखा है। गाँवों में आज भी शिक्षा के चिकित्सा के अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि हमारे यहाँ सेंटर्स तो हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फंक्शनिंग ना हो पाने की वजह से, जिसके कारण कई हैं, बट जैसे शिक्षा सारे जगहों पर पहुँचनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा, उसी तरह से मुझे लगता है कि प्राथमिक इलाज की सुविधा भी हिंदुस्तान के हर निवासी को उसके घर के निकट में मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से आप प्राथमिक चिकित्सा, एकदम सिंपल सी चिकित्सा के लिए भी किसी बीमार मरीज को, पेशेंट को इतनी दूर ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो अगर हम सोचें तो पर्यावरण हुआ, प्राथमिक शिक्षा हुई और प्राथमिक चिकित्सा हुई, और जनसंख्या पे नियंत्रण, मेरे लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं इस चुनाव में जब मैं वोट डालने जाऊंगा तब।